हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 22। तो ये 22 क्वेश्चन है आपका। और इससे पहले मैं आपको 21 के होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन था, वन सेकेंड, ये क्वेश्चन था आपका 21 के होमवर्क का। 7a² + 7a ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, 21, 14, 7 एंड 21। तो इसका आंसर था जो था 14। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने डे 22 पर। तो डे 22 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप बने रहिए इस, चलो डे 22 के क्वेश्चन को भी हम लोग बाद में रीड करेंगे आराम से। तो एक सेकेंड, देखो वीडियो जरूर आप लोग देखा करो यार, आप लोगों को ना बहुत मजा आएगा, सीखोगे आप लोग बहुत सारी चीजें। तो वीडियो जरूर देखा करो, ठीक है? ये है कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ पे मैं रेड पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ स्क्रीन शॉट या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की चीजें ऑलरेडी लिख रखी है, ताकि आपको मैं ज्यादातर लिख के ना बताऊं तो कुछ काफी टाइम सेव हो जाता है उसमें। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है डिवाइजर, ये आपका कोसेंट हो गया, ये आपका डिविडेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 से आपने इसको डिवाइड कर, 17 से डिवाइड करा, कितने बार गया, 5 टाइम्स 85 आया। फिर आपका यहाँ पे बना गया 6 - 5 1 आ गया, आपका यहाँ पे आपका 9 आ गया, ठीक है? फिर आपने फिर से करा, 19 है तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 19 हो गया। यहाँ पे फिर 2 बचा आपका, फिर 7 आपने यहाँ से रख दिया, फिर 17 10 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टाइम ये बचा, सेकंड टाइम ये बचा आपका, थर्ड टाइम ये आपका, तो ये आपके कॉन्जुकेटिव रिमाइंडर हो गए, ठीक है? कॉन्जुकेटिव रिमाइंडर्स, कॉन्जुकेटिव रिमाइंडर्स। एंड आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर डिवाइजर कहाँ से आए, एस सी एफ ऑफ दीज थिंग्स, एस सी एफ ऑफ इसका, तो आपका 17 आ गया यहाँ से। अभी आपको मैं अगर बताऊं कि मैं 15 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है? देखो जब भी एग्जाम्पल्स आपको अगर समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, तो आप लोग स्मॉल एग्जाम्पल लिया करो, उससे आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे 15 की जगह मैं 45 ले लेता हूँ, 45 से थोड़ा सा कुछ अच्छा बनने की कोशिश होगी। मे बी मैं 35 ले लेता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, ओके। देखो एग्जाम्पल मैंने कोई ऑलरेडी सेट नहीं कर रखे, इसलिए कई बार एग्जाम्पल लेने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 जाएगा, यहाँ पे आपका 1 टाइम जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका 1 बचा आपका, ठीक है? उसके बाद आपने 5 लिया ना, तो जो आपका 1 बचा ये आपका कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर में आ जाएगा, 5 बचा है आपका, ठीक है? अब फिर से आप लोग आप करोगे इसको, फिर से करोगे आप, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, कितना बचेगा, 14, ठीक है? 14 बचा आपका, 14 में आपका यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है? तो सेकेंड टाइम आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर आपके 1 1 हो गए, ये आपका होता है कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर्स, ठीक है? ये आपका कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर्स हो गए। और जो आप डिवाइजर का एस सी एफ, मतलब एस सी एफ किस किस का लोगे आप, एस सी एफ के लिए मैं ये वाला पेन यूज करता हूँ, तो एस सी एफ आप लोगे 2 का, ठीक है? सेकेंड टाइम 14 का, ठीक है? थर्ड टाइम कुछ है ही नहीं है। तो अगर आप 2 एंड 14 का एस सी एफ लोगे तो क्या आएगा, एस सी एफ का फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है, हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर, हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम लोग जी सी डी भी बोलते हैं, जी सी डी। जी सी डी का फुल फॉर्म होता है ग्रेट टेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है?
SCF इसका 2 आएगा, कैसे आएगा अभी 1-2 दिन में मैं LCM SCF के क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका देखो डिवाइजर आ गया, डिवाइजर आ गया आपका, डिवाइजर कहाँ से आ रहा है आपका, डिवाइजर आ रहा है SCF ऑफ कि जो आपका यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, एक ए और एक ए, ठीक है, क्या आ रहा है, ये आ रहा 2 टाइम्स कोसेंट एंड 2 टाइम्स कोसेंट, 2 टाइम कोसेंट से ये नंबर आ गया, डिवाइजर इंटू कोसेंट फर्स्ट टाइम का ये आ गया आपका, डिवाइजर इंटू कोसेंट सेकेंड टाइम का ये आ गया आपका। तो आई होप कि आपको कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर पता चल गया होंगे, जो आपको फर्स्ट टाइम डिवाइड करो जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका एक बार होगा, सेकेंड टाइम करो, आप कोई बड़ा सा नंबर लेके भी कर सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर बहुत आसान है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मेरे को लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। सक्सेसिव आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्रमिक विभाजन हिंदी में अगर हम देखें तो इसको क्रमिक विभाजन बोलते हैं, क्रमिक मतलब सिक्वेंस, देखो है ना, तो एक था वो कॉन्जिक्यूटिव की एक बार डिवाइड करा फिर रिमाइंडर आ रहा, फिर डिवाइड करा फिर रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा अलग होगा, आपको इसी ध्यान देनी पड़ेगी। सक्सेसिव में क्या हो रहा है कि 620 को अपन ने डिवाइड करा है 856 से सक्सेसिवली, सक्सेसिवली, ठीक है, तो उसके रिमाइंडर क्या क्या बचे हैं, तो इस तरीके से देखो डिवाइड करा है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 620 है आपका, उसको 8 से डिवाइड करा कितनी बार जाएगा, 8 7 56, ठीक है, आपका 12 में से 6 गई 6, यहाँ पर कुछ नहीं, ये आपका 0, ठीक है, और फिर आपका फिर से जाएगा 7 टाइम्स 56, आपका बचेगा यहाँ पे 4, आपका यहाँ पे बचा 4, ठीक है, आपका 4 बचा यहाँ पे, तो 4 हो गया आपका रिमाइंडर। अब तो 8 का कुछ जाएगा नहीं, 77 आ गया, 77 आ गया, 77 इस कोसेंट को आपको डिवाइजर, कोसेंट को आपको डिविडेंड बना देना है, डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड हो गया, आप कितने से करना है हमको डिवाइड, अब करना है 5 से, 5 से हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 5 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, ये बचा 5 टाइम्स, ये गया आपका 25, यहाँ पे बचा 2, आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है, रिमाइंडर आपका आ गया 2, रिमाइंडर को अभी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको मैंने क्या बताया, कोसेंट को डिविडेंड बना देना है, हमें कोसेंट को डिविडेंड बना देना है, और अब किससे बोला है हम लोगों को, अब बोला हमें 6 से, अब बोला हमें 6 से, ठीक है, 6 से जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो एक जो कोशेंट बचा है फाइनल कोशेंट है। अब हमें कोई भी नंबर भी नहीं दिया गया कि हमको डिवाइड करना, अदरवाइज वैसे भी हम कर नहीं सकते, 2 है 2 से ही कर सकते थे डिवाइड अगर हमें दिया होता। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 620 को, 620 को क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपसे, 620 को 856 से सक्सेसिवली, सक्सेसिवली डिवाइड, सक्सेसिवली डिवाइड करने पर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, देखो 6 से डिवाइड करा हमने, 8 से डिवाइड करा हमारा रिमाइंडर 4 आया, 5 से करा तो हमारा 2 आया, इससे करा तो हमारा 3 आया। कोसेंट अगर कोई पूछे, आप कोसेंट भी बता सकते हैं कि इसमें 77 कोसेंट आया था, इसमें 15 कोसेंट आया था, और इसमें 2 कोसेंट आया है, 2 कोसेंट बता सकते हो आप लोग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसका जो कोसेंट है, फर्स्ट वाले का कोसेंट है वो सेकंड वाले में डिविडेंड बन रहा है, सेकंड वाले का कोसेंट है वो थर्ड वाले में डिविडेंड बन रहा है, थर्ड वाले का कोसेंट किसी और में बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको हम लोग क्या कॉल कर देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग फाइनल कोसेंट, QUTIENT, ठीक है, फाइनल कोशेंट हम इसको बोल देते हैं।
तो आई होप कि आपको लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको दूसरे तरीके से हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान तरीका पड़ जाता है, मतलब हमें बार बार कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ता कि किससे कौन सा डिवाइड करना है। 856, 856 है ना, 856 से हमें डिवाइड करना है। ओके, तो हमें देखना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 856। तो एक बार मैं आपको करके जल्दी से फटाफट दिखा देता हूँ किस तरीके से है। 620 आपने लिखा, आप इस तरीके से पहले कर लोगे, सबसे पहले है 8, देखो 8 से है आपका, 8 से है आपका। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आपका 62 है तो आपका जाएगा 56 है ना, तो कितने में जा रहा है आपका, 56 हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया ना कि 7 टाइम्स जा रहा है, 7 टाइम्स है ना, तो ये चीज आपका आ जाएगी। आप देखो मैं बताता हूँ, आपका 8 है, आपका 62 है, यहाँ 56 बार जाएगा, 8 7 56, अभी कितना बचा, 56 में से आपका 56, आपका 60 बचा, 60 फिर से आपका गया कितनी बार, 7 टाइम्स, तो 60 था आपका, 56, दैट मीन्स 4 आपका रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर आप लोग यहाँ पे लिख लेना, 4 आपका रिमाइंडर बचा। अब करना है आपको किससे, अब करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब करना है आपको 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करना है आपको, 1 टाइम जाएगा, ठीक है, 1 टाइम ही तो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे देखो 77 है, तो आपको फर्स्ट 7 में ही आपका हो रहा है, तो वहां पर 2 फिर 27 बचा आपका, 27 दैट मीन्स कि 5 टाइम्स फिर जाएगा, तो बचा आपका रिमाइंडर 2। एक बार और कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। फिर आपको करना था 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड करना था। ये डिवाइड करना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी चीज नहीं रहती। देखो आप लोग 15 है, 6 का कितनी बार जा सकता है इसमें, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहाँ पे बचेगा आपका रिमाइंडर 3, रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचा 3। तो आप देख रहे हैं कि ए डिविडेंट है आपका यहाँ, ए डिविडेंट है यहाँ, ए डिविडेंट है यहाँ, बट एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जो यहाँ पे कोसेंट आया, ये फर्स्ट के लिए तो कोसेंट ही था, 77 डिवाइड करके आया, ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर बच रहा है आपके, रिमाइंडर बच रहा है, ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार एसएससी वगैरह में तो आई थिंक बहुत बार पूछा ही जाता है कि आप लोग मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर है उसको पर 2 3 नंबर दे देंगे, उसे डिवाइड करोगे सक्सेसफुली, स्पेशली वर्ड बोला जाएगा क्वेश्चन में, सक्सेसफुली डिवाइड कर देते हैं तो उसका रिमाइंडर ये आता है। सो समथिंग कुछ भी और पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 15 आपका लिखा हुआ है किस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा साइड में करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको ऐसे कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो 2 लिखा है, ठीक है, 2 है आपका, अब आपको देखना है कि आपका रिमाइंडर 3 आया, अगर सपोज करो रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर 3 है तो यहाँ पे जो है वैल्यू उसको प्लस कर देना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 6 था ना आपका, तो ये वाली वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो 6 × 2 करो प्लस इतना कर दो 15। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर ये डिविडेंड है यहाँ पे, तो कोशेंट, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, तो ये आपका ए डिवाइजर हो गया, ए अगले वाले का कोशेंट हो गया, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है, ए वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। अब उसके बाद आपको अगर आगे का देखना है, उसके बाद आपका रिमाइंडर कितना था, 2 था आपका रिमाइंडर, ठीक है, आपका 2 था रिमाइंडर, और यहाँ पे 5 था, तो 5 × 75 और 2 77, अभी जो डे 22 का क्वेश्चन है वो समथिंग लाइक दैट,
है इसी टाइप का ही है, तो मैं आपको इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस होगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, इस प्लस 8 प्लस 4 कर दोगे तो आपका 620 आ जाएगा, ठीक है। 856, इस तरीके से आप लोग 77 का इंटू कर सकते ना, 856 इस तरीके से, ठीक है, 6 एंड 856, और 1 सेकेंड, 856 और 5, ओके 1 सेकेंड, मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम। अच्छा ओके ओके ओके, प्लस 4 भी तो मुझे करना है ना, 856 हो गया आपके। 1 सेकेंड में दोबारा से को करके दिखा देता हूँ, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। ओके 77 × 8 करोगे ना तो आपका ये आएगा 856 की 6 5 आपकी इस तरीके से आ जाएगी 7। वैसे गेट में कैलकुलेटर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 856 आपका फिर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 61, ठीक है, 56 और 5 61, प्लस 4 करोगे आप लोग आपका 620 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दिया करो चीजों को, सब आपकी आज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग सक्सेस से प्लस कंसेक्यूटिव नंबर समझ गए होगे रिमाइंडर कैसे। अभी हम लोग डे 22 का क्वेश्चन देखेंगे और प्रॉपरली इसको रीड करेंगे, प्रॉपरली इसको समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 743 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 532 रिस्पेक्टिवली, इफ द ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ डिवाइजर रिवर्स देन व्हाट इज द रिमाइंडर। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है, अभी तक इस टाइप के आए नहीं है बट आने की पूरी पूरी चांस है, ठीक है। तो सक्सेसिवली डिवाइड करना है, अभी मैंने मेथड आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो ये रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 532, ठीक है। सपोज करो कि आपका द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइड बाई 7, नंबर है आपका एक्स, ठीक है, वो डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 देता है, वो वाई है आपका, 4 से वाई को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, आपका जो कोशेंट बच रहा है ये जेड, ठीक है, कोशेंट आपका जेड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वन टाइम, रिमाइंडर 2 बचेगा आपका, ठीक है, आपका वन टाइम ही जा रहा है ना। सपोज करो कि जैसे आपका लिखा हुआ है 7, 5 से डिवाइड करोगे तो आपका कितने बार जाएगा, 5 जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, कोशेंट कितना बचेगा 1, 2 आपका रिमाइंडर हो गया, 2 आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कोशेंट है। तो ये एक्स, एक्स तो एक नंबर है, फिर डिवाइड मैंने करा नहीं था जो वहां पे सक्सेसफुल बताया था, ये कोशेंट हो जाएगा, ये कोशेंट हो जाएगा, तो लास्ट में कोशेंट आपका फाइनल कोशेंट 1 बचेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो अब आपको मैं बताऊं कि आप लोग जेड का क्या लिख सकते हो, रिमाइंडर तो मतलब जेड का कोशेंट, कोशेंट का आप ये है आपका यहाँ पे अगर 1 है अभी, तो जेड को आप किस तरीके से लिख सकते हो, जेड यहाँ पे तो नंबर है ना, इस कोशेंट के लिए तो ये नंबर है, फिर इस कोशेंट के लिए ये वाला ये नंबर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा गौर करना चीजों पे, एक बार मैं लिख देता हूं कि डिविडेंट, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है वो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, ये आपका नंबर है दैट मींस कि ये आपका डिविडेंट है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। फिर सक्सेसिवली में क्या हो रहा था कि जो डिविडेंट था वो इसका नंबर बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अब आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी वो चीज प्रॉपरली। तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 × 1 + 2, मैंने बताया भी था यहाँ प्लस करना है, यहाँ आपको इंटू में जाना है, ठीक है, आपका हो गया 5, वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 × 5 + 3 दैट मीन्स 23, जेड इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 23 × 7
5 दैट मींस 7 21 7 2 14 1 261 +5 दैट मींस 166। ये जो 166 है ये आपका नंबर आ चुका है, ठीक है, 166 आपका नंबर आ चुका है। अब इसमें किससे डिवाइड करना है अपन को, 3 4 और 7 से, और ऑब्जर्व करना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ऑब्जर्व करना है हमें कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 3 से करोगे तो 1 टाइम्स रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर की बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे आप लोग 5 टाइम्स करोगे, ठीक है, 5 3 15 दैट मीन्स 16 है, यहाँ पे एक बचा, फिर आपका 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 15 1 16, ठीक है। आप 5 टाइम्स करोगे, 4 से आप लोग 4 से करना है ना, 4 से करना है ना आपको, तो 1 टाइम्स ही चला जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे कितना बचा आपका, 1 5 बचा, तो 4 3 12, ठीक है, तो आपका फिर बचा यहाँ पे रिमाइंडर 3, ठीक है, 3 आपका रिमाइंडर बचा। 7 में 1 टाइम ही जाएगा आपका, ओके 1 सेकेंड, 7 में आपका 1 टाइम ही जाएगा, 7, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आपका, 6, दैट मींस कि आपका रिमाइंडर बच रहा है 136, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 136। 136 किस में है, ऑप्शन ए में। ये तो था आपका कन्वेंशन मेथड जिससे आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैंने सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, वीडियो आप लोग दोबारा से देख लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब क्या है एक्चुअली, हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें नंबर मिल जाए, वो नंबर कैसे मिलेगा, हमें दिया गया था स्टार्टिंग में, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको आसानी हो, वीडियो भले ही बड़ा हो जाए लेकिन आपको मजा आ जाना चाहिए, उस वो इम्पोर्टेंट है, आपको मजा आ जाना चाहिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ 7 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था आपका, यहाँ मैं 1 मान लेता हूँ, एक फाइनल कोशेंट, फाइनल कोशेंट हम 1 कैसे मान सकते हैं, फाइनल कोशेंट हम इस तरीके से 1 मान सकते हैं, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे, 5 जा रहा है कितनी बार, एक बार, फाइनल कोशेंट हमारे इस तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी और बड़ा नंबर ही मान सकते हैं, रिमाइंडर कुछ भी हो, जैसे हमारा 6 है यहाँ पे, यहाँ पे फाइनल कोशेंट आपका कितना, 1, यहाँ पे 5 होगा बट आपका रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितने दिए हुए थे, रिमाइंडर कितने दिए हुए थे, रिमाइंडर 5 3 2, रिमाइंडर आपके दिए थे 5 3 2। अब देखो नंबर बनाना कितना आसान रहेगा आपके लिए, देखो आपको नंबर बनाना कितना आसान रहेगा अभी, है ना। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था यहाँ पे आप लोग प्लस कर देना, इसको इंटू कर देना, 3 × 1 + 2 = 5, 23, क्यों, 5 + सॉरी 5 × 4 + 3, 5 × 4 + 3, इसमें क्या करना है आपको, वही चीज, तो आपका 161 आ गया, 166 सॉरी, 166 आपका नंबर आ गया, उसके बाद आप डिवाइड करोगे, फाइनली इस टाइप से आपका आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम 1 ना लेके अगर हम 0 लेते हैं तो कुछ और आसान हो सकता है क्या, देखते हैं क्या होता है। 0 क्यों ले रहे हैं, बट हम 0 इसलिए ले रहे हैं, हम फाइनल क्वोशेंट है ये आपका, ये जो नंबर होता है ना ये फाइनल क्वोशेंट होता है, फाइनल QUTIENT सॉरी, फाइनल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये भी किसी का नंबर बनेगा, अगर किसी ने नंबर दे दिया ना कि इतने से डिवाइड करो तो ये फिर किसी का नंबर बन जाएगा, तो फाइनल क्वेश्चन हम 0 कब ले सकते हैं, 0 हम इस टाइप से ले सकते हैं कि अगर हमारा नंबर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये 0 टाइम्स ही तो जा रहा है, 0 टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर ही है ये 4, ठीक है, रिमाइंडर ही है आपका 4, ठीक है, आपका रिमाइंडर 4 है, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर 4 यहाँ पे, क्वोशेंट आपका 0, क्वोशेंट आपका 0 है यहाँ पे, क्योंकि
क्यों? क्योंकि एक भी बार डिवाइड हुआ ही नहीं है वो। एक्चुअली 4 को आप डिवाइड नहीं कर सकते ना 5 से, कि आपका कुछ आ जाए रिमाइंडर वगैरह। पॉइंट वाला वैल्यू मैं 0 पॉइंट में वो कर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात हो रही है, डेसिमल पॉइंट में ही, मतलब डेसिमल में ही बेसिकली मैं अभी डील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट वाली की कोई मतलब नहीं रहेगा उस टाइप से। तो और चीज आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे आपका लास्ट में कुछ नंबर जैसे बचे, आपका डिवाइड करते करते लास्ट में कुछ ऐसा नंबर बच रहा है, सपोज करो 2 लिखा हुआ है, फिर आपका डिवाइड नहीं जाए तो वो आपका रिमाइंडर है। तो बट क्वोशेंट, हम फाइनल क्वोशेंट अगर हम ले रहे हैं तो हम 0 भी ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख भी सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, QUTIS कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिवाइडेंड क्या, डिविडेंड क्या था आपका 4, डिवाइजर क्या था आपका 5, कोसेंट क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 4। 4 इक्वल टू 4, आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए हम फाइनल क्वेश्चन 0 भी ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रात के 1 बज रहे हैं, बट आपके लिए मैं धनाधन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ लास्ट में। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट इसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, छोटा नंबर लेके, और उसके बाद हम होमवर्क पे जो जंप करेंगे। यहाँ पे मैं 0 लेने वाला हूँ, 0 ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5 3 2, आई थिंक करेक्ट लिख देता हूँ देख के, 5 3 2 था 7 4 3, ये आपका था 7 4 3। अब देखो आपका नंबर क्या बन रहा है, वाइट ले लेते हैं, 0 इंटू 3 प्लस 2 आपका यहाँ पे आ गया 2, 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना होगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11, 77 प्लस 5, 77 प्लस 5 आपका हो गया 82, ठीक है आपका 82 हो गया। देखो आपने 166 निकाला था, आपको 82, 82 से भी आप लोग इस तरीके से नहीं, 82 में भी आप डिवाइड करोगे ना 4 166, सॉरी 82 में आप लोग डिवाइड करोगे 3 का 4 का और 7 का, तो भी रिमाइंडर आपका क्या आएंगे, आप देखो क्या आ रहे हैं, ठीक है। 3 1 सेकेंड में ए वाला पेन ले लेता हूँ। देखो ये आपका 8 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स जाएगा 6 6 हो गया, 2 बचा यहाँ पर, फिर आपका 7 टाइम जाएगा, ठीक है 2 बचा था 20, मतलब आपका यहाँ पर बना जाएगा 22 हो गया था ना, ये आपका फिर 4 है तो 4 6 24, 4 6 24 और 3 27, ठीक है आपका 3 रिमाइंडर बचा यहाँ पे आपका 6 टाइम जा रहा है, 4 6 24 प्लस 3 7, ठीक है। अब ये देखो आपका, ये देखो आपका, ये एक भी बार नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये आपका 6 का 6 रिमाइंडर आ गया, तो 136 ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब मैं एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 136 आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैं स्लो बताता हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आए। तो मैं एक 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 कॉन्सेप्ट कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। क्या है, यहाँ पे अगर हमारा 0 है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 1 है, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, 1 है, फिर यहाँ 1 है, फिर आपका 1 है, और यहाँ पर 2 3 5 है, ठीक है। 0 हमने लिया, देखो 0 हम लेंगे तो 0 इंटू 5 इंटू 1 1 हो जाएगा आपका, ठीक है 1 हो गया आपका। उसके बाद ए वाला है आपका 1 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 1 4, 8 और 1 9, 9 आपका नंबर आ गया। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन सपोज इस टाइप से था कि इतने से डिवाइड करोगे, ठीक है, कोई एक 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 नंबर है आपका कि मतलब 9 है, फर्स्ट नंबर 9 आ गया, कैसे आ गया, 2 3 5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं 1 1 1, रिमाइंडर आ रहे हैं 1 1 1, सबसे छोटा नंबर 4
फाइंड करो कौन सा होगा 9, इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए, अगर उसके बाद आपसे बोला जाए कि ऐसे 5 नंबर और बताओ, 9 के बाद और कौन सा ऐसा नंबर होगा, और कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो उसके लिए आपको मैं बहुत अच्छा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर हमारा वही रहेगा, रिमाइंडर हमारा वही रहेगा, रिमाइंडर हमारा वही रहेगा, बट हम बस फाइनल कोशेंट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। रिमाइंडर हमारा वही रहे, सब कुछ सेम है, फाइनल कोशेंट ये है। देखो आपका कितना हो गया, ये 5 + 1 6, 6 18 1, 19, 19 2 38 1, 39, 39 हो गया आपका। तो सेकंड नंबर देखो, लीस्ट नंबर ही हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका ही सेकंड। एक बार मैं थर्ड और बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो, थर्ड नंबर और बता देता हूँ, फिर हम एक प्रॉपर पैटर्न ड्राइव कर लेंगे, तो उससे हम लोग बाकी के सारे नंबर मतलब पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बट आपको मजा आ जाएगा। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मजे मजे में करते जाओ, सीखते जाओ आराम से। 2 3 5 1 1 1, यहाँ पे हमने 1 लिया था, हम 2 भी ले सकते हैं। हम फाइनल क्वेश्चन हमारा कुछ भी हो सकता है, हमने 0 1 2 कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं ये आपका ग्रीन पेन ही ले लेता हूँ। ये करोगे 10 1 11, 33 + 1 34, ठीक है। आपका सही हो रहा है क्या? नहीं, 5 2 10 11, 33 + 1 4, 34। ये आपका कितना हो गया? अगर आपका 7 35 होता, 35 2 70 होता, आपका 68 + 1 69, 69 हो गया। आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? कुछ ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हैं, कुछ अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ए वाले नंबर इसमें कितना डिफरेंस है? 30 का। फिर इसमें क्या हो रहा है? फिर 30 हमने ऐड कर दिए। 30 कहाँ से आया? 30 कहाँ से आया जो ऐड हो रहा है? 30 आया 3 2 सॉरी 3 5 2, 2 ही है ना यहाँ पे। ये जो डिवाइजर है इनका, अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, दैट मीन्स कि इनका एलसीएम आ जाएगा 30। थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी एलसीएम एससी में बताऊंगा कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर्स होते हैं ना, तो उनका जो एलसीएम होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? प्राइम नंबर का एलसीएम इक्वल होता है किसके? उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट के, को प्राइम का भी ऐसे सीन रहता है, को प्राइम का इसलिए सीन इसलिए रहता है क्योंकि एस सी एफ उनका बन होता है। थोड़ा सा जो भी चीजें बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा थिंक अबाउट करा करो, मजा आएगा, ऐसे ही सीखोगे। देखो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया है बट मेरे को बहुत मजा आ रहा है, रात के 1:30 2 बज रहे हैं, बट आपके लिए मैं कंटेंट बनाने में कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर आपने देखा 9 आ रहा है, सेकेंड आपका 39 आ रहा है, 39 आ रहा है, थर्ड आपका 69 आ रहा है, +13 और करोगे तो 99 हो गया। इस टाइप से आपके नंबर चलते रहेंगे, जो कि क्या सेटिस्फाई करेंगे, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, या अगर उनमें 2 3 5 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर 1 बन आएगा। 2 3 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 बन आएगा। आप चेक कर सकते हैं, वो एक पाकिस्तान में यूट्यूबर नहीं जो रील्स बनाता है, कि वो बोलता है चेक करो आज, ले जी लो जी चेक करो, लो जी चेक करो, तो लो जी चेक करो, तो मैं भी कह रहा हूँ कि लो जी चेक करो, आप चेक करो, लो जी चेक करो। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि वो नंबर किस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं? 30n+9, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो नंबर फाइंड, बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्या होगा, आप अगर एन बराबर यहाँ पर 0 पुट करोगे आपका 9 आ जाएगा, एन बराबर 1 पुट करोगे 39 आ जाएगा, ठीक है। एन बराबर आप लोग 2 पुट करोगे आपका 69 आ जाएगा, कैसे? 60 + 9, एन बराबर 3 करोगे तो आपका 99 आ जाएगा। इस टाइप से आपका ही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपको फाइंड कर लिया आपने, सेकंड कर लिया, सेकंड आप ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाला नंबर आप लोग आराम से फाइंड कर सकते। अगर आपने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया ना, फर्स्ट वाला नंबर है ये, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? एल सी एम ऑफ डिवाइजर
डिवाइजर, एलसीएम ऑफ डिवाइजर जो था आपका 235 प्लस जो आपका लीस्ट नंबर है वो 9 आया, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट नंबर 39 हो गया, आपका 30 प्लस 9 39 हो गया। अब हमें पर्टिकुलरली ऐसे पैटर्न में जाना है तो फिर हम लोग एन का वैल्यू पुट करके आराम से जा सकते हैं। 30 आपका ये हो गया, 30 आपका एलसीएम आ गया, 30 आपका एलसीएम आ गया प्लस फर्स्ट के लिए आपने 9 कर दिया, ठीक है। इसमें फिर क्या करना है, फिर आपको एलसीएम ऐड करते जाना है, एलसीएम ऐड करते जाना है। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है 30n+9 का, यहाँ पे 9 क्या है, 9 है आपका लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर, दी स्मॉलेस्ट नंबर, दी स्मॉलेस्ट नंबर, दी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, दी स्मॉलेस्ट नंबर। और ये 30 क्या है आपका, 30 है आपका एलसीएम ऑफ डिवाइजर, एलसीएम ऑफ डिवाइजर है। एन क्या है, एन है आपका होल नंबर, होल नंबर। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस एन के लिए बहुत सारी वैल्यू ले आएगा। जैसे आप लोग एन बराबर 0 1 2 3 4 करोगे तो इसके धागे खोलेगा ये, इसके धागे खोलेगा ये, तो आगे क्या बोलेगा ये, आगे कुछ भी नहीं बोलेगा ये। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ कि आपका वो जैसे आपसे पूछे कि 99 है, अब आपसे कुछ भी पूछ ले यार कि 10 10 जो ऐसी 10 संख्या है उनका सम बताओ, सम कर सकते हैं ना आप, आराम से कर सकते हो। आप बोल आपसे बोलेगा कि 10th नंबर बताओ, 10th नंबर क्या है, वो आप बता सकते हो। क्यों, क्योंकि इस सीरीज में स्टार्टिंग में मैंने एपी सीरीज पढ़ा रखी है ऑलरेडी, बाकी जीपी सीरीज, एचपी सीरीज और अलग से फिर से एपी सीरीज मैं पर्टिकुलरली 3 4 दिन क्विज में पूछूंगा और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम फाइनल क्वेश्चन को बदल के डिफरेंट डिफरेंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हमसे कोई कभी पूछे, अगर कभी भी कोई पूछे कि फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, 10th नंबर क्या है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए बराबर आपका ए 9 है, डी बराबर डिफरेंस आपका 30 है, ठीक है। अब बाकी लगा लो आप टी एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 × d। थोड़ा सा मैं अब लिख रहा हूं तो लिख ही देता हूँ, एस एन बराबर आपका क्या होता है, n/2, 2a+n-1 × d। डी है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, और ए है आपका फर्स्ट टर्म। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा इस सेशन में। देखो वीडियो लंबे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से समझोगे ना चीज, एक बार चीज समझ में आ गई उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। तो उसका आंसर 136 हो ही गया था आई थिंक, है ना, बी ऑप्शन था जो भी है। अब होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और जितना मैंने पढ़ाया है इसमें मैं कॉन्सेप्ट पूरा बता देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ ताकि होमवर्क आपको आसानी से बन जाए। मैं ऐसी कोई कंफ्यूजन में नहीं रखता कि जो मैंने चीज बताई नहीं है वो होमवर्क में पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैंने सारा आपको कन्वेंशन मेथड 0 1 रिमाइंडर लेके, सॉरी फाइनल क्वेश्चन लेके अच्छे से क्वेश्चन करा दिया है। सक्सेस रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट के अलावा, जो भी आप लोग नीलेट का एग्जाम दोगे, नीलेट के एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ सक्सेस रिमाइंडर क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी। और भी को जो भी आप लोग एप्टीट्यूड बेस्ड को, सॉरी एप्टीट्यूड बेस्ड आप लोग जो भी एग्जाम देते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सक्सेस रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैंने भी अलग से चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारा चीज समझी है, तभी आपको मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और एक जगह अभी लास्ट में मैंने शायद वो गलती से कुछ रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की भी बिल्कुल आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप होमवर्क को जरूर करना, आप लोग सीख जाओगे और मैं गारंटी देता हूँ कि गेट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे आप। क्यों, क्योंकि डेली डेली आप सीख रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा बर्डन भी नहीं फील हो रहा है और आराम आराम से कर ले रहे हो।
मतलब डेली का एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है, उसके बाद एक होमवर्क में भी आता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। एक अपनी पूरी नोटबुक बनाओ, उसमें क्वेश्चन लिखो, ये मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें पीडीएफ जब भी मैं जनरेट करता हूँ बहुत ज्यादा ऐसे हाफ में आ रहा है टेक्स्ट, आधा कट जा रहा है, तो इसमें पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ, दे पाऊंगा मुश्किल है इस बार। तो मे बी नेक्स्ट ईयर में कुछ प्लान करूंगा। और स्क्रेच बुक मैंने ट्राई करा करने का, बट वो मेरे को थोड़ा उतना मजा नहीं आया उसमें करके, तो इसमें मेरे को काफी सही लग रहा। तो आप लोग लिख सकते हो यार, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब आधा घंटा एक घंटा निकाल के आप कर सकते हो। आपका ये एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है, तो इसको आप लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 259, एक ए नंबर है 259, लीव्स अ रिमाइंडर 139। वॉट विल बी द रिमाइंडर वेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 37। आई होप कि आप लोग ये करोगे, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपका इसका ऑप्शन क्या है। मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, मे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर स्पून फीडिंग हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ, है ना। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है। मैं हिंट आपको जितना हो सकता है मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूँ कि जो लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है उसी से रिलेटेड है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग इसको बनाओगे और आपको मजा आ जाएगा। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि डेडिकेटेडली टेलीग्राम ग्रुप में भी आंसर भेजते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो उनके लिए सल्यूट है भाई। आप लोग बढ़िया करोगे गेट में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मस्त मजा आ जाएगा आपको भी, और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एंजॉयमेंट मिल ही रहा होगा। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 100 एंड 10,000, ठीक है, 100 एंड 1,000 से। विच वेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 7, 11, 13 लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 5, 6, 7। इसको आप लोग करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान भी नहीं है, बट आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये ऐसा टफ भी नहीं है, मतलब जो मैंने चीजें एक्सप्लेन करी हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे और वीडियो ऐसे देखते रहो, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। आज का थोड़ा वीडियो लेट रिकॉर्ड हो पाया, प्रॉपर टाइम पर रिलीज नहीं हो पाया, एक दिन बाद अपलोड हो रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो लोग देख रहे हैं सीरीज को, व्यू तो कम आ रहे हैं बट हम अपनी एंड से कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे। अब जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। इस बात को कोई अदर सेंस में ना ले, जो देखेगा उसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा, जो नहीं देखेगा या फिर नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। मे बी वो एप्टीट्यूड में अच्छा हो तो उसका ऑलरेडी अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी को देखने से सारी चीजें हो जाएंगी, आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ेंगी, वो टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।